सस्ता खाना अच्छा है या महंगा? लेट्स फाइंड आउट। हाय गाइस, आई एम प्रियंका और आज मैं करने वाली हूँ चीप वर्सेस एक्सपेंसिव फूड चैलेंज, जहाँ पे मैं खाने वाली हूँ सस्ता बुफे और महंगा बुफे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इनमें से बेस्ट कौन सा था। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, मैं आ गई हूँ पटना शहर के सचिवालय एरिया में, जहाँ पे गाइज मैं खाने वाली हूँ एकदम सस्ता बुफे। और उसके लिए ना थोड़ी सी मेहनत और मशक्कत आपको करनी पड़ेगी। देखिए कैसी कूदती फांदती मैं जो हूँ खाने वाली जगह में पहुँच चूँगी। गाइज देख रहे हो ये एरिया पूरा कच्ची रोड ऐसे बनी हुई है, गाइज मिट्टी के फपोले यहाँ पे उड़ रहे हैं। तो गाइज मैं आ गई हूँ, देखो कहाँ, जय माता दी भोजनालय, जहाँ पे मिलेगा गाइज आपको 80 रुपये में बैठे बिठाए बुफे 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 बुफे। थोड़ा चल के खाते हैं, अनलिमिटेड बुफे। तो गाइस आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे पीछे लगा हुआ है पूरा का पूरा बुफे, मतलब 80 रुपए का बुफे। और आपको अपने आप उठ के ऐसे खाना परसने की जरूरत नहीं है, परसा परसाया खाना आपकी टेबल पे आ जाएगा। जी नमस्ते नमस्ते, ये बताइए आज के खाने में क्या क्या है? आज के खाने में मैडम सब्जी है आलू परवल के, जरा दिखाइए दिखाइए इससे कैसे। अच्छा अच्छा, नमस्ते नमस्ते, आइए। ये देखिए इतने बड़े बड़े टंगीरे हो, ये क्या? अरे इसमें तो पनीर दिख रहा है मुझे, ये देखिए। अरे ये तो पालक पनीर मटर आलू सब मिला दिए हो। स्पाइसी स्पाइसी है एकदम, कैसी है? यहाँ पे फ्राइड पापड़ भी मुझे दिख रहे हैं जो कि बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी है एकदम। और उसके बाजू में क्या क्या है? अच्छा ये तो चावल है, ओहो ये तो बॉइल्ड राइस है गाइस। अच्छा ये येलो वाली दाल है, हाय हाय तड़का तो बड़ा गजब कमा रहे हैं। सब्जी दिखाइए कौन कौन सी है? आलू का भुजिया है, इसके अंदर तो करेला भी दिख रहे हैं मुझे। अच्छा तो ये करेले कड़वे तो नहीं होंगे। और ये क्या है? ये आलू का चोखा है, गोभी का भुजिया, गोभी का भुजिया शुगर फ्री के लिए, शुगर फ्री के लिए। जिनको शुगर नहीं है उनको नहीं दोगे? उनको भी देंगे, उनको भी देंगे। 80 रुपए के अंदर गाइस भरी पूरी प्लेट जो है खाने को मिलेगी, 4 रोटी और चावल और भर। अच्छा 4 रोटी के अलावा भी कोई रोटी मांगे फिर मिलेगी क्या? दही देंगे। अच्छा वैसे तो हम तो एक ही रोटी में हमारा काम तमाम हो जाता है, हमारी तो 3 रोटियां बच जाएगी गाइस। आप हमको एक बढ़िया सी थाली लगवा देंगे? हाँ? नहीं लगाएंगे। अच्छा एकदम लगाएंगे, हम डर गए, हमने नहीं लगाएंगे। अरे गाइस यहाँ तो लाइव खाना ही बन रहा है, क्या पक रहा है यहाँ? थोड़ा हिलाएंगे क्या? ओहो अरे अरे ये तो आलू पर आलू करेला। देखो मेरा नाम ही गाइस गड़बड़ हो गया, करेला करेला। ये देखना गाइस इनका रोटी बनाने का स्टाइल बहुत ही निराला है, देखना जैसे फुग्गे की तरह फूली आएगी। दिस इज सो क्यूट यार, इतनी अच्छी रोटियां। वैसे गाइस हम भी अपने घर में बना लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं, रोटियां बेलना और पकाना हमको बहुत अच्छे से आता है। आप रोज सवेरे खुद सब्जी लेकर आते हो? यार ये तो बड़ी कमाल की बात है, करेले की सब्जी रोज बनाते हो क्या? हमारे पापा बचपन में ऐसे मार तोड़ के करेले खिलाए जाते थे, बोला जाता डाइनिंग टेबल से उठना नहीं जब तक करेले ना खा लो आप। दिखने में तो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है, पर एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। अपनी जान हथेली में लेके आज पूरा का पूरा खाना खाई और ये सामने बनते हुए देख के मजा बता गया। तो हमको भी कहाँ गए आप? कहाँ भाग रहे हो? सही कह रहे हैं आप, यहीं पे रहिए ना, सही तो कह रहे हैं वो। तो हमें एक थाली लगवा दीजिएगा भैया। सो गाइस मेरा सिट डाउन बुफे जो लग चुका है और यहाँ पे मुझे एक थाली सजा के दे दी गई जो मुझे बड़ी पूरी 80 रुपए की। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे बुफे में क्या क्या आपको मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे आगे बढ़िया गर्मा गर्म चावल, उसके साथ 2 रोटियाँ, चटनी, सैलेड, नींबू मिर्ची। और गाइस ये है गोभी की भुजिया, ये है आलू का चोखा। एंड गाइस ये देखो गाइस ये है पनीर आलू पालक की सब्जी, साथ में गाइस मेरा फेवरेट ओए होए मटर शटर भी पड़े हैं। और यहाँ पे है फ्राइड करेला, ये है आलू प्लस करेला। और ये देखो दाल, ये देख रहे हो गाइस दाल भी यहाँ पे बहुत ही गजब की है और इसमें अरहर और मसूर मिक्स है। साइड में मेरे पास दो पापड़। चलिए गाइस भर पेट खाने की बारी आ गई है, तो अब खाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस मैं बहुत टेम्प्ट हो रही थी ये गोभी की भजिया खाने के लिए, बहुत ही सिंपल सी है गाइस, एकदम सटल सी है, बट हल्की सी ना मुझे मीठी मीठी भी लग रही है। एंड ये एकदम फ्राइड है ना, तो उसमें स्वाद ना भरपूर तरीके से आया है। और अभी मैं जो बचपन में खाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बट आज आप लोगों के लिए मैं खाऊंगी गाइस ये फ्राइड करेला। अभी मुझे देखना है ये कड़वा है या नहीं। Oh my God, यार ये तो सच्ची सच्ची कड़वा नहीं है। मेरे को तो अपनी मम्मी को बताना चाहिए कि मम्मी आप इतने कड़वे कड़वे करेले बना के हमको खिलाती थी, तो जबरदस्ती खिलाए जाते थे। अगर करेले को फ्राई कर दो ना, मुझे लगता है उसका कड़वापन निकल जाता होगा। जरा रोटी को खाएंगे पनीर शनीर के साथ, पनीर तो मेरा फेवरेट है, उसके साथ मटर भी पड़े हुए हैं। ये जो ऑल इन वन सब्जी है ना, इसमें पनीर पालक मटर आलू सब कुछ पड़ा है। इनकी मैं देख रही हूँ इनके जो मसाले हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा सटल है, कुछ भी ओवर पावरिंग नहीं है। इनकी जो रोटी है ना वो इन्होंने बताया कि पूरे प्योर गेहूं की रोटी है, इसके अंदर कोई मिलावट चिलावट ये नहीं करते। फ्राइड पापड़ ये तलते हैं रिफाइंड के तेल में, बाकी खाना बनाते हैं सरसों के तेल में। इन्होंने ये मुझे डिफरेंस बताया। ओ चावल निकाले दाल उड़ेल लेते, अरे ये तो मिर्चे भी आ गए। ओ हो क्या बात है, क्या बात है। और चावल देख रहे हैं इनके, कितनी बढ़िया क्वालिटी के चावल इस्तेमाल करे हैं बासमती। ये नहीं कि अगर सस्ता खाना है तो आपको ऐसे मोटू मोटू छोटू छोटू वो वाले चावल खिला रहे, ऐसा नहीं है। ये देखो दाल चावल इज सो गुड, मतलब इट्स लाइक अ कंफर्ट फूड। जब आपको कुछ समझ में नहीं आया ना तो आप दाल चावल खा लो, आपका पेट भी भर जाएगा, आपका स्वाद भी पूरा आएगा। जीरे और मिर्चों के तड़के मारे ना, दैट इज माइंड ब्लोइंग। यार आलू के चोखे में बड़ा ही डिफरेंट स्वाद आ रहा है, मतलब पहले आपको पता नहीं चलेगा, जैसे जैसे खाते जाओगे ना। आलू बॉइल्ड है बट मुझे लगता है इन्होंने थोड़ा सा उसको भूना भी है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ना मुझे ऐसा कोल वाला फ्लेवर आ रहा है, हल्का सा टिंच है कोल का इसके अंदर, जो बहुत ही सिगड़ी में बना है। यहाँ पे ना जो कुकिंग कर रहे हैं पूरी की पूरी सिगड़ी के अंदर कर रहे हैं। 80 रुपए में मुझे नहीं लगता इससे अच्छी थाली मुझे कहीं पे भी मिलेगी। दिस इज फुल पैसा वसूल थाली एंड इस खाने में ना वाकई स्वाद है। गाइस 80 रुपए में खाना तो बहुत ही गजब का था, स्वाद भरा था, बट इसके अंदर आपको कोई डिजर्ट खाने को नहीं मिलती। अगर आपको डिजर्ट खानी है ना तो जैसे ही आप वहाँ से बाहर निकलेंगे, ये देखिए यहाँ पे मिठाइयाँ छिठाइयाँ रखी है। ये गाइस यहाँ पटना का जो है पारंपरिक मीठा है, जो ना ये है मीठी वाली बूंदी और उसके ऊपर डाले जाते हैं ये नमकीन वाले सेव। मतलब यार ये कॉम्बिनेशन सुन के और समझ के ना थोड़ा अजीब मुझे लग रहा है, बट ये यहाँ का पारंपरिक मीठा डिजर्ट जिसको बोलोगे ना वो आप खा सकते हो। अभी मैं सीधे चलती हूँ आपको महंगा बुफे दिखाने के लिए। So guys, अब मैं आ गई हूँ आपको आज के वीडियो का एक्सपेंसिव बुफे दिखाने के लिए। दीपनाज होटल जो कि पटना का बहुत ही फेमस होटल है, तो चले चल के देखते हैं इनके बुफे में क्या क्या मिलता है और ये बुफे मुझे कितने का पड़ता है। होटल पनाज का एक्सपेंसिव बुफे पूरा का पूरा सच चुका है, तो चलिए वैसे एक्सपेंसिव हुआ ना बुफे तो यहाँ पे गाइस आपको अपनी प्लेट लेके खुद ही खाना परोसना पड़ेगा और खुद ही खाना पड़ेगा। आपकी टेबल पे सिर्फ और सिर्फ गर्मा गर्म रोटी आएंगी, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ऐसे चक्कर काटिएगा और अपना खाना परोसिएगा। तो गाइस ये बुफे मुझे पड़ा है पूरे के पूरे 800 रुपीज़ का, और जैसे ही पैसे बढ़ जाते हैं ना गाइस सीटिंग अरेंजमेंट अच्छी हो जाती है, ए सी की ठंडी ठंडी हवा खाने को मिल जाती है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि इनके बुफे में गाइस क्या क्या है। सो गाइस सबसे पहले बुफे में शुरुआत करेंगे गाइस, यहाँ पे बड़ी अनोखी चीज दिखी है मुझे पटना के अंदर, मठरियाँ गाइस। ये देखिए यहाँ पे चौकोर वाली मठरियाँ हैं और ये मठरियाँ तो बड़ी गजब की, हम चाय के साथ अक्सर खाते हैं। और ये शेफ ने मुझे बताया बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है गाइस, ये फ्लैक्स सीड्स की मठरियाँ यहाँ पे इन्होंने बनाई। और साथ ही साथ देखिए कितने सुंदर तरीके से यहाँ पे गार्लिक ब्रेड को ढक के इन्होंने रखा है। और ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे गाइस ये साबूदाने के पापड़ हैं, साथ में कुछ और अतरंगी सतरंगी पापड़ है और सूप स्टिक्स भी है गाइस। ये विचित्र प्रकार की चटनियाँ हैं, और मीठी चटनी है, हरी चटनी है। और ये देखिए ये आगे गाइस चिकन करी। ओ हो ये देखिए सबसे पहले यहाँ नॉन वेज सेक्शन में हम आ गए। ये है चिकन करी, फिश करी। अच्छा ये भी उठा के दिखाई देती हूँ, अरे बाप रे खानी तो हमें है नहीं गई। ये देखिए फिश करी है, जो नॉन वेज लवर्स हैं उनके लिए मैं आप दिखा रही हूँ एक्चुअली। साथ ही साथ यहाँ पे फिश फिंगर। यहाँ पे अगर आएंगे तो आपके पास एक सूप है जिसके अंदर ट्रेजर मिलता है, तो लिखा है 8 ट्रेजर सूप। तो ये देखिए अब इसके अंदर ट्रेजर क्या है हमको तो गाइस अभी तक समझ में आया नहीं। सब्जियों का अच्छा एक्जॉटिक वेजिटेबल्स पड़ी है, मुझे तो ये गाइस के अंदर टोफू और मटर जरूर दिख रहे हैं। और ये मेरा फेवरेट है, ये है मेरा फेवरेट कर्ड राइस, जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। और वेजिटेरियंस के लिए ये देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये है कटहल कोफ्ता करी। मैडम कटहल के कोफ्ते बना दिए इन्होंने गाइस, कटहल के कोफ्ते तो हमने कभी सुने नहीं है और देखे भी नहीं, आज हम खा के देखेंगे कोफ्ते बने कैसे। ये पूरा का पूरा गाइस इनका सैलेड काउंटर है, यहाँ पे बहुत सारी सैलेड लगी है। तो कॉकटेल पास्ता सैलेड है, ये रशियन सैलेड है जिसके अंदर बहुत सारी टूटी फ्रूटी डाली है, और ये है स्प्राउट सैलेड। साथ ही साथ यहाँ पे टमाटर खीरा प्याज व्याज सब कुछ है, जो मर्जी ले लो। ये पूरा अचारों का सेक्शन है गाइस। अचार के सेक्शन के बाद ऑलिव्स भी है, ऑलिव्स भी। अरे वाह क्या बात है, एक्जॉटिक वेजिटेबल्स इन्होंने पूरे के पूरे लगाए हैं। और ये है दाल तड़का, जिसको अब हम हिला डुला के पूरा तहस नहस कर दिया। ये देखिए लाल लाल मिर्ची और लहसन के साथ क्या बढ़िया तड़का इन्होंने मारा है। ये है पनीर जलफ्रेजी, हाय दिस लुक्स रियली नाइस। वाओ क्या लबाब दाल दिख रही है, इसमें आलू नहीं है, बड़े दिखने में बहुत ही गजब की है यार सच में। यह है प्लेन कर्ड, जिसको भाई दही वही खाना है। ओह ये तो प्लेन सादा चावल है। अच्छा इनके चावल और उनके चावल में क्या डिफरेंस आएगा ये मैं बताऊंगी। और साथ ही में गाइस यहाँ पे क्या है, यह है आलू जीरा। आहा एकदम घर वाला खाना दिख रहा है वैसे तो गाइस। ओह ये गजब का दिख रहा है, ये है पीस पुलाव। इसके ऊपर देखो कितने सुंदर तरीके से इन्होंने बरिस्ता जो है बिखेरा है, बिछाया है। साथ में साथ बहुत सारे मटर इसके अंदर मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए नूडल्स, वेज शेजवान नूडल्स, यार क्या गजब के दिख रहे हैं। और ये है वेज मंचूरियन बॉल्स, लवली यार, वेजिटेरियंस के लिए ना बड़ा गजब का चाइनीज़ रखा है इन्होंने, मैं सच बताऊँ आपको। साथ ही में अब आई है मेरे फेवरेट सेक्शन की बारी, जो है डिजर्ट सेक्शन। तो ये देखो गर्मा गर्म, हाय गर्मा गर्म गुलाब जामुन देख रहे हो, ये देखो क्या लजीज, आय हाय मीठा मीठा, इसको लग रहा है देख कर ही ना मेरा मन पता है क्या कर रहा है, एकदम आप करके खा जाओ। डिजर्ट मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। ये है रोज सूफले यार, ये बड़ा सुंदर सजाया है शेफ ने, ये कुछ नया है। ये है बाबा भूसा, हाँ अच्छा बेशभूषा, ओह शेफ ने मुझे करेक्ट करा है, बेशभूषा कुछ अलग सी चीज़ दिख रही है। और ये है खीर मोहिनी, हाय हाय हाय, खीर एक से गुलाब जामुन के उसमें रूप में दिख रही है, खीर मोहिनी, इसको खा के हम मोहित हो जाएंगे। यह है छेना टोस्ट, ये है रेड वेलवेट पेस्ट्री। वहाँ 80 रुपये की प्लेट में डिजर्ट नहीं थी, बट यहाँ पर मैं अपनी पूरी कसर निकालूंगी डिजर्ट खाने में। तो गाइज यहाँ पर मैं अपना बुफे खुद परस के ले आई हूँ, बहुत सारा खाना लेकर आई हूँ और आपकी जितनी मर्जी हो आप खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, जस्ट हैव अ लुक। सबसे पहले इंडियन खाने से शुरुआत करेंगे गाइस। तो यहाँ पे गाइस देखिए हमारे पास है ये दाल तड़का, लहसुन और लाल मिर्ची इतनी गजब की दिख रही है कि क्या बताऊँ। ये कटहल वाले कोफ्ते हैं, ये जीरा आलू है, साथ ही साथ ये पनीर जल फ्रेजी है। और अब है चाइनीज़ की बारी, तो यहाँ पे मेरे पास नूडल्स हैं, साथ ही साथ ये गाइस यहाँ पे मेरे पास मंचूरियन भी है। और इंडियन में देखिए यहाँ पे हमें पास पुदीना लच्छा पराठा और सैलड की बारी है। सैलड की प्लेट मुझे ना एक्चुअली सबसे अच्छी लगी, जब आप 10 गुना पैसे ज़्यादा देते हैं ना तो खाने की जो रंगत है, जो शक्ल है, वो बदल जाती है। और इंडियन खाने के साथ साथ यहाँ पे आपको चॉइस मिलती है चाइनीज़ खाने के भी, प्लस इसके साथ साथ डिजर्ट्स भी आएंगी गाइस, वो अभी हम थोड़ी देर में दिखाएंगे। मैं पहले ना दाल को कंपेयर करूँगी गाइस। गार्लिक का बहुत गजब का फ्लेवर इस दाल के अंदर आया है, मतलब वहाँ की दाल भी मुझे बहुत पसंद आई थी, उसके अंदर जीरे का ना फ्लेवर बहुत अच्छा इन्फ्यूज हुआ था। देखो गाइस वहाँ पे हमें सादी रोटी मिली थी, यहाँ पे हमें लच्छा पराठा मिला है, तो इसको खाऊंगी गाइस मैं पनीर के साथ। देखिए ये प्योर यहाँ पे पनीर है, इसके साथ कोई मिक्सिंग विक्सिंग नहीं की गई है। दिस पनीर इज रियली वेरी डिफरेंट। देखो वहाँ का जो पनीर मैंने खाया था ना, वो थोड़ा सा आलू और पालक के साथ उन्होंने डाइल्यूट कर दिया था, बट ये ना ये प्योर पनीर है, इसकी जो ग्रेवी है बहुत ज़्यादा थिक है, तो ये काफ़ी लबाबदार है। अब चखूँगी मैं ये जीरा आलू, वहाँ पे वो आलू वाले वो फ्राइड आलू थे ना, यहाँ पे जीरा आलू भुजिया थी, और यहाँ पे हम खाएंगे ये जीरा आलू। आलू चोखा था एक्चुअली, जिसके अंदर खोल वाला फ्लेवर आया था। देखो गाइस ये भी अच्छा है, मुझे तो वो आलू चोखा ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि उसके अंदर जो खोल का फ्लेवर आया था ना, दैट वॉज रियली रियली माइंड ब्लोइंग। देखो सैलेड वहाँ पे सिर्फ खीरा प्याज था, यहाँ पे सैलेड में आपको बहुत सारी इंटरनेशनल टाइप की वैरायटी मिल जाती है। सैलेड इनके बहुत बढ़िया है, नो डाउट अबाउट इट। 10 गुना पैसा खर्च करने के बाद भी आपको वेजिटेरियन में स्टार्टर्स नहीं मिलेंगे। इन्होंने नॉन वेज में फिश फिंगर्स रखेगा, वेजिटेरियन में स्टार्टर्स नहीं रखे, मुझे लगता है मठरियों को इन्होंने स्टार्टर्स भी मान लिया होगा। मंचूरियन का टेस्ट गाइस ये होगा कि मंचूरियन की गेंदे आराम से टूटती हैं या नहीं। अरे यार सच में यार थोड़ी सॉफ्ट सी निकली, ओह ताज़ी बनाई है। मतलब यहाँ होटल में आपको एक बात बताऊँ, खाना सच्ची मुच्ची ना ताज़ा है, नहीं तो अक्सर बुफे में ना पुराना रखा खाना खिलाते चले आते। नो दिस इज नाइस, एकदम अपना इंडियन चाइनीज वाला चाइनीज नहीं है। इट्स डिजर्ट टाइम गाइस, यहाँ पे सारी की सारी डिजर्ट्स में उठा के ले आई गाइस। सबसे पहले देखिए ये है गर्मा गर्म गुलाब जामुन, और ये 4-4 तरीके की डिजर्ट। सबसे पहले आएगी बारी ये गुलाब जामुन की। ऑल राइट, कट तो बड़ी आसानी से गया गया, तो ये गरम भी बहुत है। एकदम फ्रेश है गाइस। अब इनकी जो एक बड़ी अनोखी पेस्ट्री दी है, बस भूजा समथिंग क्या जी, तो मीठी नहीं, ये बस भूजा जो है ये थोड़ी सी कम मीठी है, तो ये हमें कुछ खास पसंद नहीं आएगा। डिजर्ट में ना इन्होंने आइसक्रीम नहीं रखी, इसका मलाल मुझे जरूर है। तो गाइस अब बारी है आज के विनर की। वैसे मैं आपको बताऊं स्वाद में तो दोनों ही बुफे बहुत ही फैंटास्टिक है, तो आज का विनर मैंने चूज करा है वैल्यू फॉर मनी को लेकर। सो वैल्यू फॉर मनी जो बुफे था वो मुझे लगा जय माता दी का, क्योंकि 80 रुपए में आपको इतनी वेरायटी का खाना खाने को मिल जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। वेयर जो पलाश का बुफे है वो है 800 रुपए का, बट 800 रुपए में जितनी वेरायटी एक्चुअली में दे सकते थे उतनी वेरायटी ऑफ फूड यहाँ पे नहीं था, सिर्फ इंडियन और चाइनीज ही अवेलेबल था। Whereas, अगर आप बारबेक्यू नेशन में देखो या एब्सोल्यूट बारबेक्यू में देखो, वहाँ पे आपको 800 रुपए के अंदर बहुत सारी वैरायटी का खाना खाने को मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से आज का विनर रहेगा जय माता दी का 80 रुपए का बुफे। तो गाइस आज के वीडियो को हम करते यहीं पे खत्म। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब मिलूंगी किसी और चैलेंज में, तब तक के लिए बाय।